290 के 290 290 290 2 5 से 80 290 3 8 से 70 290 4 1160 290 5 1450 290 6 1740 290 7 2030 290 8 2320 290 9 2006 से 10 290 9 29 से। तो जब हम बचपन में स्कूल जाते थे तो हमारी सबसे बड़ी समस्या थी पहाड़ा याद करना। पहाड़ा याद करने के चक्कर में हमारे दादाजी के हाथों हमें बहुत थप्पड़ पड़े हैं। इस वक्त मैं भदोही में मौजूद हूँ और फ्रेम में जो आपको एक छोटा सा बच्चा नजर आ रहा है, इसे 300 तक पहाड़ा याद है। यकीन करेंगे आप, जब मैंने ये बात सुनी तो मैं शौक रह गया। मैंने 20 सुना था, 25 सुना था, 30 सुना था, और 300 तक पहाड़ा याद करना, और खासकर इस 7-8 साल की उम्र में जब बच्चा 2 में पढ़ रहा हो, तो आसान नहीं होता है। क्या नाम है आपका? रौनक किसरानी। रौनक, कहाँ पढ़ते हो रौनक आप? छोटे लाल यादव बाल विद्या मंदिर। तो आप मुझे ये बताओ, आपको पहाड़ा कितने तक याद है? 300 तक याद है। ये आपने खुद से याद किया है? खुद से याद किया। अच्छा, तो आप मुझे पढ़ के बताओ 73 का पहाड़ा, मुझे आप पढ़ के बताओ। 73 के 73 73 2 146 73 200 73 4 252 73 65 73 66 73 6 4 से 38 73 7 5 से 11 73 8 5 से 84 73 9 6 से 57 73 9 7 से 23 बहुत बढ़िया। 98 का पढ़ के सुनाइए। 98 98 98 99 96 98 99 96 98 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
हम शौक हैं और पूरी तरह से जब से हम इस बच्चे से मिले हैं इसके फ़ैन हो गए हैं। आगे भी आपको सुनवाते हैं, मैंने 300 की बात करी थी तो हम 300 तक चलेंगे। 125 का पढ़ के बताओ रौनक आप। 125 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
के 225, 225 से 450, 225 से 675, 225 के 900, 225 पंचे 1125, 225 छक्का 225 छक्का 1350, 225 सत्ते 225 सत्ते 1575, 225 अट्ठे 225 अट्ठे 28, 225 नवैया 2025, 225 दाम 2250। 280 का पढ़ के बताइए। 280 के 280, 280 दुना 560, 280 तीन 840, 280 चौके 1120, 280 पंच 14, 280 छक्का 1680, 280 सत्ते 1960, 280 अट्ठे 2240, 280 नवैया 2520, 280 दाम 28। आखिरी में आप 290 का पढ़ के सुनाओ। 290 के 290, 290 दूना 580, 290 तीन 870, 290 चौके 1160, 290 पंचे 1450, 290 छक्का 1740, 290 सत्ते 2030, 290 अट्ठे 2320, 290 नौ 2610, 290 दामे 29। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस बेबाकी के साथ 7-8 साल का एक छोटा सा बच्चा 300 तक पहाड़ा सुना रहा है, एक सुर में, एक आवाज़ में 300 तक पहाड़ा। इसे याद है, इसको किसी ने प्रिपेयर भी नहीं करवाया है, इसने खुद से तैयारी की है, खुद से ही ये इतना आगे निकल पाया है। और अगर आप प्राइमरी स्कूल में पढ़ने गए होंगे तो आपको याद होगा जब आप 1 से 5 तक पढ़ रहे होंगे तो उस वक्त की या इस वक्त की सबसे बड़ी समस्या होती थी छात्रों के लिए, बच्चों के लिए, पहाड़ा याद करना। 20 तक का पहाड़ा हम याद करते थे, फिर भूल जाते थे, फिर पिटाई होती थी, घर पे पीटे जाते थे,
टीचर्स बहुत पीटते थे। आपको याद होगा अपना प्राइमरी स्कूल का वो दौर, वो जमाना, जब हमें 20 तक पहाड़ा याद करना हमारे लिए बहुत बड़ा मुश्किल का काम होता था। तो 25, 30, 100 और बच्चे ने सीधा 300 तक याद किया है। किस क्लास में पढ़ते हो आप रौनक? दूसरी कक्षा में आप पढ़ते हो। तो आप ये बताओ आपका स्कूल कैसा है? छोटे लाल यार, अच्छा। अच्छा है क्या? किस तरीके का माहौल है, किस तरीके से पढ़ाई होती है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। रौनक आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? पुलिस। आप पुलिस क्यों बनना चाहते हो? अपने देश की रक्षा करना। आप देश की रक्षा करना चाहते हो, अच्छा। और आप मुझे बताओ आपको और क्या क्या पढ़ना अच्छा लगता है? मैथ। आपको मैथ पढ़ना अच्छा लगता है। आपके टीचर कैसे हैं? अच्छे। सब टीचर अच्छे हैं, सब आपको प्यार करते हैं। खाने में आपको क्या पसंद है रौनक? दम आलू खाते हो आप? कौन बनाता है दम आलू आपके यहाँ? मम्मी। आपकी मम्मी बनाती हैं। प्रधानमंत्री कौन है देश का? श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। कितनी उम्र है आपकी रौनक? 7। 7 साल है। फ्रेम में आपको एक बच्ची छोटी सी नजर आ रही है, इनकी सिस्टर है। इनसे थोड़ी बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से बच्चे तैयारी करते हैं। क्या नाम है आपका? अंशिका। किस क्लास में पढ़ते हो आप? हाँ, तो इनको कैसे याद हुआ इतना पहाड़ा 300 तक? आपने याद करवाया या खुद से? खुद से याद किया, हम इसको बस 10 तक याद करा रहे थे। तो आप किस स्कूल में पढ़ने जाते हो? हम भी छोटे लाल यादव विद्या मंदिर में। वहीं पढ़ने जाते हो आप? तो बताओ आपका स्कूल कैसा है, किस तरीके की पढ़ाई होती है आपके स्कूल में? हमारा स्कूल बहुत अच्छा है, हमारे स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। आपको बड़े होकर क्या बनना है? साइंटिस्ट बनना है। तो दोस्तों, फ्रेम में आपको ये दो छोटे बच्चे नजर आ रहे हैं, ये हमारे साथ छोटा सा रौनक है, इसे 300 तक पहाड़ा याद है, जिसने खुद से पहाड़ा तैयार किया है। और फ्रेम में शायद इनके पिताजी भी यहाँ मौजूद, हम चाहेंगे थोड़ा हमारे पास आ जाएं। तो एक छोटा सा बच्चा जिसे 300 तक पहाड़ा याद है, जो आपको फ्रेम में नजर आ रहा है, पीछे अब इनके पिताजी भी नजर आ रहे हैं। तो ये बताइए आप बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं? बच्चों को तो हमारे पास समय नहीं गाइड करने के। बच्चे हमारे इतने होनहार हैं कि अपने मन से जो भी मतलब गाइड किए, अपने मन से पढ़े, अपने मन से सब तैयारी करते हैं। आप ध्यान देते हो, आप पढ़ाते हो घर पे बच्चों को? नहीं, हमारे पास समय नहीं, बच्चों को हम गाइड नहीं कर पाते, नहीं पढ़ा पाते, क्योंकि बच्चे हमारे खुद इतने होनहार हैं कि बच्चे हमारे मतलब सर जाते हैं कोचिंग में, कोचिंग करते हैं, इसके बाद खुद होमवर्क करते हैं। बच्चे हमारे खुद इतना स्टडी होमवर्क कर लेते हैं, इतना होनहार है, अपने मन से पूरा सब कंप्लीट कर लेते हैं। तो आपको, आपने बच्चों को फ्री छोड़ा है, कोई दबाव कोई काम बच्चों के लिए? बिल्कुल नहीं, कोई दबाव कोई काम नहीं, सिर्फ पढ़ने के लिए फ्री छोड़ा है। पढ़े और खेले, पढ़े बस, और कोई काम नहीं। और कोई काम नहीं, कोई काम नहीं। कोरोना काल में पढ़ाई बच्चों की बाधित हुई है, तो आपको परेशानी हुई होगी, आप लोग बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं? हाँ, परेशानी बिल्कुल हुई थी, बच्चे पढ़ नहीं रहे थे, लेकिन घर पे कोचिंग था, कोचिंग वाले डेली आते थे, पढ़ाते थे, मतलब वही कोचिंग से मेकअप होता, गाइड करते थे। स्कूल के बारे में क्या कहेंगे? प्राइवेट स्कूल जिस तरीके से अब फीस बहुत ज़्यादा लेने लगे हैं, प्राइवेट स्कूल की बात करेंगे, तरह तरह की चीज़ें होने लगी हैं, पढ़ाई का स्तर लगातार इधर उधर होता जा रहा है, तो क्या कुछ कहेंगे स्कूल्स के बारे में आप? स्कूल मतलब यानी कि जो मतलब कोरोना काल में बंद था, प्रभाव तो पड़ा है बच्चों के ऊपर, प्रभाव तो पड़ा है, लेकिन बच्चे अगर घर में कोई गाइड करता है, कोचिंग चल रहा है, तो बच्चे मतलब होनहार हैं, तो अपने से स्टैंडिंग बना लेंगे। बाकी मतलब पढ़ाई पर तो काफ़ी असर पड़ा है, 2 साल स्कूल बंद है, काफ़ी असर पड़ा है। आपको क्या लगता है बच्चों के ऊपर ध्यान देना चाहिए गार्जियंस को? बिल्कुल ध्यान, गार्जियन को बच्चों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, लेकिन मैं मजबूर हूँ, मेरे पास समय नहीं मिल पाता। आप नहीं दे पाते, फिर भी आपने अच्छी फैसिलिटीज दी हैं, सुविधाएं अच्छी दी हैं, बच्चे जगह जाके पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो क्या फीस क्या है इन बच्चों की? 200 रुपये महीना। 200 रुपये हर महीने देने होते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों से आप क्या कहेंगे, जो लोग आपको देख रहे हैं, जो अपने बच्चों को ठीक से पढ़ा नहीं रहे, उनको स्कूल्स नहीं भेज रहे हैं, उनके पास शराब पीने का पैसा है लेकिन फीस देने का पैसा नहीं है, तो ऐसे तमाम बच्चों के लिए आप कहेंगे और ऐसे तमाम गार्जियन से आप क्या कहेंगे? हम तमाम गार्जियन तमाम बच्चे से कहेंगे, बच्चे खुद अपने से वो होनहार बने, देश के लिए सोचे, अपने भविष्य के लिए सोचे, और वो माँ बाप को हम ये बार बार कहेंगे, कम से कम माँ बाप अपने मतलब जो फालतू का खर्च बचा करके बच्चों को पढ़ाए, बच्चों को अच्छे लाइन पे ले आए, अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाए। बच्चों को पढ़ना कितना जरूरी है आज के दौर में? आज के दौर में पढ़ाई बहुत जरूरी है, शिक्षा बहुत जरूरी है बच्चों के लिए, शिक्षा पढ़ाई बहुत जरूरी है, शिक्षा से ही संस्कार मिलता है। बच्चों को शिक्षा से ही संस्कार मिलता है, संस्कार, संस्कृति, सभ्यता, ये संस्कार, सभ्यति, ये सब बहुत जरूरी है। आज के दौर में समाज में जीना है तो संस्कार, सभ्यता, संस्कृति बहुत जरूरी है।
आप अपने बच्चों को ये सब बताते हैं? बिल्कुल डेली बताते हैं, ये तो जरूर बताते हैं, ये ध्यान रखना चाहिए। हम बच्चों को हमेशा इस चीज शिक्षा देते हैं, बेटा संस्कार कैसे करना है, बड़ों से कैसे बात करना है, छोटे से कैसे बात करना है, संस्कार आपको बहुत जरूरी है। बच्चों को एक 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 बात को समझाते हैं। कहाँ तक पढ़ाई की आपने? हम 8 तक पढ़े हैं। 8 तक पढ़े हैं, तो क्या कुछ बदला है आपके दौर में और इस दौर में, क्या अंतर है? बहुत अंतर हो गया है, बहुत अंतर हो गया है। बताइए। हम जब पढ़ रहे थे तो पढ़ाई में बहुत कड़ाई थी, हमारे टीचर लोग बहुत मारते थे, बहुत पढ़ाई करते थे, बहुत अनुशासन था। और अब बच्चे को गाइड करना आप जो है हमारे आपके ऊपर डिपेंड है, न कि टीचर के ऊपर। अब उस तरीके का ध्यान नहीं है, अब टीचरों को उस तरीके का ध्यान नहीं है, अब ये हमारे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चों को किस रास्ते पर ले जाए, कहाँ ले जाए, कैसे पढ़ाए। तो आप मुझे बताए, अब तक उस टाइम पे सरकारी स्कूल हुआ करते थे, सरकारी स्कूल जाते थे उस टाइम पे? हाँ, सरकारी जाते थे। तब का सरकारी स्कूल क्या अब वैसा रह गया है? नहीं, बिल्कुल नहीं रह गया, कोई सरकारी स्कूल ऐसा नहीं रह गया। कैसा था उस टाइम का सरकारी स्कूल? उस टाइम का सरकारी स्कूल इतनी कड़ाई, इतनी अनुशासन था, और पढ़ाई लिखाई कैसी होती थी? पढ़ाई लिखाई बहुत टफ था, और रेगुलर जो उनकी मतलब उपस्थिति अनुपस्थिति जांच होती थी। हमने सुना कि घर से उठा के आते थे अगर आप? बिल्कुल बिल्कुल, हमको भी ले गए घर से। आपको घर से उठा के आए? बच्चों आए, 7-8 बच्चे आए, उठा के तब ले गए। अच्छा, तो पिटाई बीमारी हुई, जो स्कूल नहीं आता था उसको घर से उठा लिया जाता था? घर से उठा लिया जाता था, हम यहाँ पे बैठे थे घर पे, बच्चे आए, 7-8 बच्चे उठा के ले गए, और वहाँ पिटाई बीमारी हुई। तब उतनी सुविधाएं नहीं थी, उतना आधुनिकता नहीं था, तब का दौर बहुत बेहतर था। और अब प्राइमरी स्कूल के बारे में क्या कहें? अब तो स्कूल्स में इतनी फैसिलिटीज हैं, खाना मिल रहा है, बैग मिल रहा है, किताब मिल रहा है, लेकिन क्या शिक्षा वैसा बचा? शिक्षा वैसा नहीं है, शिक्षा वैसा न तो मास्टर टीचर उतना गाइड कर रहे हैं, न टीचर जो पहले के टीचर के अंदर टैलेंटेड था वो अब ये टीचर आज के दौर में नहीं कर रहे हैं। उत्सुकता खत्म हो गई है, पैसा बहुत ज्यादा मिलने लगा है, उत्सुकता खत्म हो गई, सब इतना पैसा भी नहीं मिलता था टीचरों को, तब टीचरों को इतना पैसा नहीं मिलता था, शौक से सब पढ़ाते थे, शौक से सब पढ़ाते थे, लगन था टीचरों के अंदर, टीचर अध्ययन था, लगन था, लोग जो है इतना टीचर एक एक बच्चों को गाइड करते थे, इतना इतना अनुशासन था, इतना कड़ाई था। क्या लगता है आपको, अगर प्राइमरी स्कूल की हालात सुधरे और अगर कंडीशंस वहाँ पे बदलते हैं, जैसे दिल्ली में बदला है, जैसे वहाँ के सरकारी स्कूल हैं, तो क्या लगता है आपको बच्चों का भविष्य अच्छा होगा? और जिस तरीके से गार्जियंस को इतना पैसा बहाना पड़ रहा है फिजूल में प्राइवेट स्कूल्स में, और सरकार इतना कुछ दे रही है, तो आपको लगता नहीं सूरत बदलनी चाहिए प्राइमरी स्कूल्स की हमारे यहाँ? बिल्कुल बदलनी चाहिए, यहाँ प्राइमरी स्कूल की सूरत बदलनी चाहिए, इसीलिए लोग जो है बच्चों को लेकर भाग रहे हैं दूसरे स्कूल में, 1500 फीस दे करके अच्छे अच्छे स्कूल में कर रहे हैं, और प्राइमरी स्कूल में कोई भी गाइड करने वाला नहीं है। तो एक तरीके से गरीबों का मजाक है प्राइमरी स्कूल? हाँ, गरीबों के लिए धर्मशाला खोल दिया गया है, बस खाओ और जाओ, स्कूल जाओ, खाना पीना खा के आओ, जाओ खाओ और लौट आओ, शिक्षा का कोई लेना देना नहीं, बच्चों को फ्यूचर पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है। क्या कहेंगे आप योगी जी से, क्या कहना चाहेंगे प्राइमरी स्कूल्स के लिए? योगी जी से हमारा ये कहने का मतलब है, कम से कम प्राइमरी स्कूल को और कड़ाई और शासन दे। पहले से योगी जी जब से आए तब से कुछ स्कूल में मतलब सुधरा है, प्राइमरी स्कूल सुधरा है। पहले हिंदी मीडियम था, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम था, इंग्लिश मीडियम हो गया, योगी जी के आने में काफी सुधार हुआ है, लेकिन थोड़ा सा हम योगी जी से कहना चाहते हैं और टाइट हो, सुधार करें निश्चित तौर पर।